हेलो दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आज हम कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे हम वीएस कोड में फाइल और फोल्डर बनाते हैं वो आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली हमको आ जाना है डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप स्क्रीन इसको कहते हैं। डेस्कटॉप पे हमको आ जाना है और सिंपली हम राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस में जाएंगे, उसके बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे और एक हम फोल्डर बना लेंगे। लेट्स दिस फोल्डर नेम विल बी एक्स। ओके, फिर उसके बाद हमको दोस्तों यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन विद कोड का। ओपन विद कोड से हमको ओपन कर लेना है। ये जो ओपन विद कोड जो ऑप्शन शो हो रहा था यहाँ पे, ये जो शो मोर ऑप्शंस में जाके ओपन विद कोड ये शो हो रहा है, ये आप में तब दिखाएगा जब आप वीएस कोड इंस्टॉल कर रहे हो। तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहते हैं कि ओपन विद कोड करने का, तो अगर आपने उसको सिलेक्ट किया होगा तभी ये ऑप्शन आएगा, नहीं तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो प्लीज़ जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसको आप ध्यान से देखें कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे कैसे हमको फाइल और फोल्डर बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है एक्स नाम का। तो ये वाला जो आइकन होता है ये एक न्यू फाइल बनाने के लिए होता है, ये आइकन जो होता है वो एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए होता है। तो सिंपली हमको यहाँ पे न्यू फाइल वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और लेट्स से फाइल का नाम हमने ले लिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब हमने एच टी एम एल ही क्यों लिखा, क्योंकि हमको एच टी एम एल की फाइल बनानी थी तो हमने एच टी एम एल लिखा। एच टी एम एल में डॉट एच टी एम एल हमने एक्सटेंशन यूज़ किया। और इंडेक्स नाम फाइल का क्यों लिया, क्योंकि इंडेक्स नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि जिसने एच टी एम एल बनाया था तो उसने जो पहला पेज होता है उसका इंडेक्स नाम रखा था, तो इसलिए हम इंडेक्स उसको कहते हैं। इसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, इंडेक्स की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ भी रख दिए, पी रख दिए, तो हमारी पी नाम से ये फाइल बन जाएगी। लेकिन अगर किसी ने रखा हुआ है कुछ और नाम तो हम उसको इंडेक्स भी रख सकते हैं, तो हम इंडेक्स रख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा सिंपली हमारा एक फाइल बन के तैयार हो गया है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम कोई भी कोडिंग करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, तो उसमें हम कुछ कोड लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, उसका एक वो होता है क्या कहते हैं एक्स्ट हेडर फाइल होते हैं। जावा में जैसे हेडर फाइल होता है, सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स होते हैं, जावा में नहीं होता हेडर फाइल, सी प्लस प्लस में जैसे हेडर फाइल्स होते हैं तो हम उसको लिखते हैं। तो वैसे ही एच टी एम एल में भी हमको कुछ लिखना पड़ता है हेडर फाइल की तरह, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। क्या कहते हैं, बॉयलर प्लेट, उसको हम बॉयलर प्लेट कहते हैं, सॉरी बॉयलर प्लेट। ओके, तो हम उसको बॉयलर प्लेट कहते हैं। और बॉयलर प्लेट बनेगा कैसे, हमको सिंपली क्या करना है, शिफ्ट प्लस वन, शिफ्ट प्लस वन हम क्लिक जैसे करेंगे वैसे हमारा बॉयलर प्लेट तैयार हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहला मेथड था। सेकेंड मेथड क्या है, हम एच टी एम एल कॉलन फाइव, एच टी एम एल कॉलन फाइव लिख देंगे और एंटर मार देंगे तो हमारा बॉयलर प्लेट बन जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि बनता है बॉयलर प्लेट की नहीं। तो हम ये नहीं था, वो था शिफ्ट प्लस वन दबाने से हमारा बॉयलर प्लेट बन जाता है, लेकिन अभी मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद, आई थिंक। तो मैं अगर शिफ्ट वन दबा रहा हूँ तो बॉयलर प्लेट मेरे में नहीं बन रहा है, लेकिन कोई नहीं, एच जो सेकेंड वाला मेथड है वो जरूर काम करेगा। एच टी एम एल कॉलन फाइव जैसे हम लिखेंगे, एच टी एम एल कॉलन फाइव, तो और फिर उसका इसको लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे वैसे आपका बॉयलर प्लेट बन जाएगा। तो ये सिंपली आपका बॉयलर प्लेट बन चुका है। ओके, तो ये बॉयलर प्लेट जो इसमें ये कोडिंग वगैरह लिखी हुई है इसको हम बाद में समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है, ये कहना क्या चाहता है इसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हम कुछ टैग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, टैग्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कौन कौन से टैग्स हम पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स एक ये होता है ओपनिंग ओपनिंग ये टैग्स। ओके, ये होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन। ओके, ये कुछ टैग्स होते हैं, मतलब इसको टैग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओपनिंग टैग होता है, इसको कहते हैं ओपनिंग टैग। क्लोजिंग टैग क्या होता है, यहाँ पे एक स्लैश लग जाएगा, इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग। ओके, तो ये होता है हमारा टैग, ठीक है। तो हम कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, एच वन से एच सिक्स तक, एच वन से एच सिक्स तक हम कुछ टैग पढ़ेंगे। एच वन क्या होता है, एच वन हमारा होता है हेडिंग वन। ओके, एच टू क्या होता है, हेडिंग हेडिंग टू। एच थ्री क्या होता है,
हेडिंग 3, ओके तो कर लेते हैं कॉपी, करते हैं पेस्ट, यहाँ पे हम कर देंगे H4, यहाँ पे कर देंगे H4, यहाँ पे कर देंगे H5, यहाँ पे कर देंगे H6, यहाँ पे कर देते हैं हम H6 और यहाँ पे कर देते हैं H5, ओके। तो ये कुछ हेडिंग टैग्स होते हैं, हमारा केवल H1 से लेके H6 तक ही टैग होते हैं, उसके अलावा कोई टैग नहीं होता, मतलब H7 टैग नहीं एग्जिस्ट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि H7 टैग एग्जिस्ट करता है, लेकिन H7 नाम का कोई टैग नहीं होता है, ओके। तो हमारे 6 टैग होते हैं, तो आइए हम सिंपली देखते हैं कि ये टैग्स काम कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमारा बॉयलर प्लेट बन के तैयार हो गया है, तो जो भी हम कोड लिखेंगे वो इस बॉडी के अंदर लिखेंगे, ये जो आपको बॉडी दिख रही है ना, ये इसके बीच में लिखना है अपन को कोड, ओके। जो भी हम कोड लिखेंगे इसके बीच में लिखेंगे, तो हमको लेट से हमको H1 टैग क्रिएट करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे H लिखिए, 1 लिखिए और डायरेक्ट एंटर मार दीजिए, तो यहाँ पे आपका H1 टैग बन चुका है, इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए, लाइक लेट्स से एग्जाम्पल एप्पल, ओके। तो यहाँ पे हमने H1 टैग बना लिया, अब इसको हम देखेंगे कैसे, तो सिंपली आपने जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे बनाया था, ये हमने जो फोल्डर बनाया था एक्स नाम का, इसको क्लिक करना है, और ये जो हमारा देखिए इसके अंदर एक फाइल बनी हुई इंडेक्स नाम की, तो इसको हमको ओपन कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे एक हेडिंग आ चुकी है एप्पल नाम की, ओके। तो और बाकी टैग देख लेते हैं वो कैसे काम करेंगे, तो वापस हम विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और हम यहाँ पे H2 टैग क्रिएट करेंगे, फिर H3 टैग क्रिएट करेंगे, फिर H4 टैग, फिर H5 टैग और H6 टैग, ओके। इसके बीच में हम क्या लिख देंगे, एप्पल एप्पल, ओके। यहाँ पे हमने भी लिख दिया एप्पल, यहाँ पे लिख दिया एप्पल, यहाँ पे भी लिख दिया हमने एप्पल, और H6 में भी हमने एप्पल ले लिया, ओके। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इसको जैसे आप क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको कंट्रोल एस से आप सेव करते जाइएगा, नहीं तो एक ऑप्शन यहाँ पे फाइल में आप जाइएगा, फाइल में एक ही ऑटो सेव का ऑप्शन है, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, नहीं तो फिर ऑटो सेव आपको सेव करना पड़ेगा बार बार, तो इससे अच्छा कि आप ये वाला ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा ऑटो सेव, ओके। फिर हम वही वाले फोल्डर में जाएंगे, ये हमारा इंडेक्स वाला है, इसको हम ओपन करेंगे, तो आप यहाँ सिंपली देख सकते हैं हमारे ये H1 टैग है, H2 टैग है, H3 टैग है, H4 टैग है, H5 टैग है, H6 टैग है, ये हमारे 6 टैग्स हैं हेडिंग के। तो अगर किसी के मन में अगर डाउट हो कि जैसे कि H7 भी टैग हम बना सकते हैं, ओके ठीक है, हम H7 बना के देख सकते हैं, नहीं H7 टैग हम बना के देख सकते हैं, तो देखिए अगर हम H7 लिखते हैं तो यहाँ पे हमको नीचे कोई सजेशन शो ही नहीं हो रहा है, हम एंटर मार रहे हैं हमारा टैग बन नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा टैग नहीं बन रहा। अगर हमने मान के चलिए अगर जबरदस्ती अगर हमको बनाना ही हो, मतलब किसी के मन में बहुत ही ज्यादा हो कि हम बना ही लेंगे H7 टैग, तो उसको भी बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने H लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, इसको क्लोज किया, इसके अंदर भी हमने लिख दिया एप्पल, ओके। ऑटो सेव ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, तो हमने ये एप्पल लिखा और हमने इसको रिफ्रेश किया, ओके। तो ये देखिए ये जो H7 टैग बन के आया, ये आपको कुछ अजीब दिख रहा होगा, मतलब ऊपर बिल्कुल सीक्वेंस चल रहा था, H6 तक बहुत छोटा दिख रहा था, लेकिन ये जो एप्पल दिख रहा हुआ है, ये आपको दिख रहा है, तो ये कुछ अजीब दिख रहा है, तो मतलब H7 नाम का कोई टैग नहीं होता है। तो ये अपने मन में आप कंफ्यूजन मत रखिएगा कि H7 नाम का कोई टैग होता है, केवल H1 से लेके H6 तक। तो H1 से H6 टैग तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब हम डायरेक्ट कैसे ओपन कर सकते हैं, जैसे कि हमको बार बार इस फोल्डर में जाना पड़ रहा है और इसको क्लिक करने के बाद ही ये ओपन हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे ओपन कर सकते हैं, इसका एक और मेथड है। यहाँ पे आप आइएगा और ये एक्सटेंशन दिख रहा है, यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है लाइव सर्वर, ये लाइव सर्वर पे क्लिक करिए, यहाँ मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा आपके में, तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओके। तो आप फिर डायरेक्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये डायरेक्ट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, आपको बार बार उस फोल्डर में नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने गाइज H1 से लेके H6 टैग कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम आ जाते हैं पैराग्राफ टैग की तरफ। पैराग्राफ टैग क्या होता है, अगर आप यहाँ पे अगर सिंपली पी लिखेंगे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग जनरेट हो जाएगा, ओके। तो इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक एनीथिंग,
अनोनिमस डेवलपर। ओके, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अनोनिमस डेवलपर लिख के आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ टैग ऐसे काम करता है। और अगर मान के चलिए, अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, फ्रंट एंड यूआई डिज़ाइन कर रहे हो, अगर आपके पास कुछ लिखने को नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे दबाएंगे, इसके बीच में आपको केवल लिखना है लॉरेम और एंटर मार देंगे, तो ये कुछ ऐसा लिख के आ जाएगा, इतना सारा लिख के आ जाएगा। हम इसको ओपन विथ लाइव सर्वर से ओपन करते हैं, तो ये देखिए इतना कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ टैग लिखने का एक ऑप्शन है। अगर आपको, मान के चलिए आपको केवल इस, ये जो लॉरम इप्सम लिखा हुआ है, इसमें आपको केवल 10 वर्ड चाहिए, तो आप पी दबाइए, इसमें लिखिए लॉरम, इसमें लिखिए केवल 10, तो ये 10 वर्ड्स आ जाएंगे, आप इसको गिन सकते हैं। फिर उसके बाद आप फिर पी दबाइए, अगर आपको 5 ही वर्ड्स चाहिए लॉरम के आगे, आप 5 लिखेंगे, तो आपके 5 वर्ड्स आ जाएंगे। इसको हम ओपन विथ लाइव सर्वर से देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें ये 10 वर्ड्स आ रहे हैं, इसमें 5 वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ टैग कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं किसके, अब हम कौन सा टैग पढ़ेंगे, इटैलिक बोल्ड। बोल्ड इटैलिक टैग क्या होते हैं, यहाँ पे हमको IMET, इसको हमको बोल्ड बनाना है, तो इसके आगे हमको सिंपली B लिखना है और एंटर मार देना है, तो यहाँ हमारा बोल्ड टैग क्रिएट हो गया। अब सिंपली हमको यहाँ से इसको कर लेना है कट, और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। अब इसको हम ओपन करते हैं लाइव सर्वर से, तो ये देखिए यहाँ पे जो AMET एमेट है वो बोल्ड हो चुका है। ठीक है, एक और एग्जांपल एक बार और देख लेते हैं। मान चलिए हमको इस कॉन्सिक्यूटर को बोल्ड करना है, तो हमको यहाँ सिंपली आना है, हमको B लिखना है और एंटर मारना है, तो ये हमारा बोल्ड टैग क्रिएट हो गया। इसको हम यहाँ से करेंगे कट, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, फिर ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, तो ये देखिए कॉन्सिक्यूटर जो है, कॉन्सेक्टेटर जो है, वो हमारा बोल्ड हो चुका है। ओके, अब आते हैं इटैलिक टैग की तरफ। आई टैग क्या होता है, अब मान के चलिए ये जो इप्सम लिखा हुआ है, हमको इसको इटैलिक करना है, तो हमको सिंपली यहाँ पे आई लिखना है, एंटर मारना है, ये इटैलिक टैग जनरेट हो गया। यहाँ से हम इसको करेंगे कट, यहाँ पे इप्सम के आगे करेंगे हम पेस्ट। ओके, इसको हम करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर से, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ इप्सम जो है वो इटैलिक में हो चुका है। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान चलिए हमको यहाँ पे ये कॉन्सेक्टर जो है, उसको हमको इटैलिक करना है, तो यहाँ पे आई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा इटैलिक टैग जनरेट हो चुका है। यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं, और यहाँ कॉन्सिक्यूटर के आगे पेस्ट कर देते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे हम, ये देखिए कॉन्सेक्टेटर जो है वो हमारा इटैलिक हो चुका है। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया, पी टैग पढ़ लिया, एच हेडिंग टैग पढ़ लिए, बोल्ड पढ़ लिया, इटैलिक पढ़ लिया। अब आ जाते हैं हम ब्रेक की तरफ। BR टैग क्या होता है, BR टैग बेसिकली ब्रेक टैग होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम या अनोनिमस डेवलपर के पास आते हैं, मान चलिए इसको हम ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। ओके, तो ये अनोनिमस डेवलपर जो है वो एक साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एक साथ लिखा हुआ है, और अगर हमको चाहिए कि ये जो डेवलपर है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो हमको सिंपली यहाँ पे कोड पे आना है, और ये डेवलपर के पास हमको BR लिखना है और एंटर मार देना है। यहाँ पे BR का क्लोजिंग टैग नहीं होता है, केवल ऐसे ही BR लिखते हैं, राइट करते हैं, तो हम यहाँ पे BR सिंपली हमने लिख दिया, और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर से करेंगे, तो आप देख सकते हैं अनोनिमस डेवलपर, डेवलपर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। एक बार और देखते हैं, मान चलिए जैसे कि हमारा ये कोड था, यहाँ हमको एमेट के बाद ये कॉन्सेक्टेटर से हमको नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ कोड पे आएंगे, यहाँ पे एमेट लिखा हुआ है, यहाँ कॉन्सेक्टेटर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे सिंपली आएंगे और यहाँ पे BR लिख देंगे, एंटर मार देंगे, और इसको हम ओपन विथ लाइव सर्वर से कर लेते हैं। ये देखिए एमेट के बाद हमारा कॉन्सेक्टेटर जो है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, इतना। ठीक है, तो यहाँ हमने ये पढ़ लिया, BR टैग हो गया। अब आ जाते हैं HR। HR क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रो। HR हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने हेडिंग टैग्स पढ़ लिए, पी टैग पढ़ लिया, पी मतलब पैराग्राफ टैग होता है, पैराग्राफ। ओके, पी टैग पढ़ लिया, आई पढ़ लिया, आई क्या होता है, इटैलिक टैग। ओके, हमने बी पढ़ लिया, बी क्या होता है, बोल्ड टैग। हमने और क्या पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ा, ब्रेक। BR क्या होता है, ब्रेक, ब्रेक द लाइन और ब्रेकिंग द लाइन, हमने BR पढ़ लिया, PIBR पढ़ लिया। तो हम पढ़ेंगे HR। HR क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रो।
ये एक हॉरिजॉन्टल रो लाइन, मतलब एक लाइन खींच देगा हॉरिजॉन्टल रो में। देखिए जैसे ये अनोनिमस डेवलपर है, यहाँ पे हमने केवल एचआर लिखा, एचआर का भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो हमने एचआर लिखा, ओपन विथ लाइव सर्वर किया हमने, तो ये देख सकते हैं अनोनिमस डेवलपर के बाद देखिए एचआर लाइन खींच के आ गई, हॉरिजॉन्टल रो आ गई। एक बार और देखते हैं, मान चलिए हमने यहाँ पे यू यूज़ किया, यहाँ पे एचआर लिखा हमने, सिंपली एचआर लिखा, एंटर मारा, यहाँ पे एचआर टैग क्रिएट हुआ, हमने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, और ये देखिए यहाँ पे कॉल लाइन खींच के आ गई। तो हमने ये एचआर टैग पढ़ लिया। ओके गाइस, तो हमने ये हॉरिजॉन्टल रो कवर कर लिया। एक टैग बच रहा है अंडरलाइन, यू मतलब होता है अंडरलाइन, अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग कैसे होता है देख लेते हैं। अनोनिमस के आगे आया हमने, हमने स्पेस दबाया यहाँ पे, क्या यू हमने क्लिक किया, और ये हमारा अंडरलाइन टैग क्रिएट हो गया। ये इस क्लोजिंग टैग को हम करेंगे कट, अनोनिमस के आगे करेंगे पेस्ट, और हम इसको करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये देखिए अनोनिमस के पास हमारा एक अंडरलाइन खींच कर। अब मान के चलिए हमको डेवलपर में भी अंडरलाइन चाहिए, तो सिंपली हम कोड में आएंगे, डेवलपर के पास यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यू, और यहाँ पे हमारा एक और अंडरलाइन टैग क्रिएट हो गया। इसको करेंगे हम यहाँ से पे कट, और ये डेवलपर के आगे कर देंगे पेस्ट, और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर से कर लेंगे। तो ये देखिए डेवलपर के पास में अंडरलाइन टैग आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतने टैग्स पढ़ लिए हैं, तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एस यू पी और एस यू बी क्या होता है। एस यू पी क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है दोस्तों? सुपर स्क्रिप्ट। और एक होता है एस यू बी, एस यू बी क्या होता है? सब स्क्रिप्ट। एस यू बी क्या होता है? सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट जो होता है वो किसी भी टेक्स्ट को, नंबर्स को ऊपर ले जाने के लिए होता है, और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट को या फिर नंबर को नीचे ले जाने के लिए होता है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ बनाया, ठीक है, हमने इसमें लिख दिया 22 इक्वल टू 4, ओके। हमने इसको ओपन विथ लाइव सर्वर किया, ठीक है। तो हमको सिंपली यहाँ पे दिख रहा है 22 इक्वल्स टू 4, लेकिन यहाँ 22 इक्वल्स टू 4 नहीं होता है, 2 + 2 4 होता है, या फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे आएंगे, यहाँ जो ये 2 है, यहाँ पे एक स्पेस दीजिएगा आप, एक और स्पेस दीजिएगा, यहाँ पे सिंपली आप लिखिएगा एस यू पी, और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे हमको इसको करना है कट, और इस 2 के आगे आके करना है पेस्ट, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया है, ठीक है, 2 का स्क्वायर = 4, ये तो होता है, ठीक है। तो अब मान के चलिए आपको किसी भी टेक्स्ट को ही ऊपर लेके जाना है, जैसे कि आपने पी लिखा, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा अनोनीमस, अनोनीमस अभी, ओके, अनोनिमस अभी लिखा, अब ये अभी को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। मान चलिए यहाँ पे अनोनिमस अभी लिखा है, इसको हमको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो एस यू पी हमने लिखा, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट क्रिएट हो गया, यहाँ से हमने इसको कट किया, और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। अब देखिएगा जो अभी जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी जो है वो ऊपर चला गया, अनोनिमस नीचे है, ठीक है। तो ये हमने सिंपली हमने सुपर स्क्रिप्ट पढ़ लिया। अब सब तो अभी हम यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। सब स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करते हैं? हमने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा CO2, ठीक है। इसको हम करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर से, ठीक है। तो हमको ये CO2 दिख रहा है, तो अगर हमको 2 को नीचे लाना है, ठीक है, तो 2 को नीचे लाना है, तो सिंपली हम यहाँ पे 2 के पास आएंगे, और यहाँ पे हम एक स्पेस देंगे, एक और स्पेस देंगे, यहाँ पे लिखेंगे SUB। तो हमारे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्रिएट हो चुका है, यहाँ से हम इसको करेंगे कट, और यहाँ पे हम 2 के आगे करेंगे पेस्ट, ठीक है। इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 2 है हमारा नीचे चला गया, CO2, ठीक है। अब इसको हम एक बार टेक्स्ट पे एक बार करके देख लेते हैं। एक हमने पैराग्राफ लिखा, ठीक है, इसमें हमने लिखा अनोनिमस डेवलपर अभी, ठीक है। अब हमको मान चलिए ये जो अभी लिखा हुआ है उसको हमको नीचे लेके जाना है, तो यहाँ पे हमको सिंपली लिखना है SUB, ठीक है, और यहाँ से हम SUB को करेंगे कट, और अभी के आगे करेंगे पेस्ट, ठीक है। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, तो ये देखिए जो अभी जो है वो नीचे आ चुका है, अनोनिमस डेवलपर ऊपर दिख रहा है, और अभी जो है वो नीचे आ चुका है, ठीक है गाइस। तो आज के वीडियोज़ में हमको केवल इतना ही पढ़ना है,
नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टैग्स पढ़ रहे होंगे, जैसे फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, इनपुट्स कैसे लेते हैं और कुछ और टैग्स जो HTML में इंपॉर्टेंट रहते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टैग्स रहते हैं वो सब हम कवर कर रहे होंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। टैग्स हमने पढ़ा, ओपनिंग टैग ये होता है, क्लोजिंग टैग ये होता है, स्लैश लग जाता है तो हमारा क्लोजिंग टैग हो जाता है, ठीक है। H1 से लेके H6 तक हमने टैग पढ़े, हेडिंग्स टैग पढ़े, ठीक है। H7 जैसा कोई टैग एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने P टैग पढ़ा, पैराग्राफ टैग होता है, पैराग्राफ लिखने के लिए इस्तेमाल आता है। फिर उसके बाद I टैग पढ़ा जो इटैलिक टैग होता है, फिर B पढ़ा बोल्ड करने के लिए, BR पढ़ा लाइन को ब्रेक करने के लिए, HR पढ़ा हॉरिजॉन्टल रो, और U पढ़ा अंडरलाइन किसी भी टेक्स्ट या फिर किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए। हमने SUP पढ़ा सुपरस्क्रिप्ट किसी भी टेक्स्ट को एलिमेंट को ऊपर ले जाने के लिए। हमने फिर पढ़ा सबस्क्रिप्ट किसी भी टेक्स्ट या एलिमेंट को नीचे ले जाने के लिए। तो आज के वीडियोस में हमने इतना कवर कर चुका है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू गाइस।